रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर हमला हुआ है। रूसी सेना ने सूमी में आर्टिलरी से फायरिंग की है। खार्किव में रिहायशी इलाके पर हमला किया गया है। आर्टेमोवस्क में भी रशियन सेना का ताबड़तोड़ अटैक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 106वें दिन में पहुंच गया है और रशियन आर्मी की तरफ से यूक्रेनी आर्मी पर जोरदार हमला जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सूमी रीजन में बॉर्डर सर्विस की बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें बाचेवस्क का चेक पॉइंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खार्किव में मिसाइल हमले का जो नया वीडियो सामने आया है वो काफी चौंका देने वाला है। पुतिन की आर्मी ने टारगेट कर रिहायशी इलाके को निशाना बनाया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। रूसी सेना ने यूक्रेन के आर्टेमोवस्क को भी निशाना बनाया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन रूस की तरफ से जोरदार हमला किया गया। रूसी सेना का लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जे के लिए जंग जारी है। सेवरोडोनेस्क में यूक्रेनी आर्मी को निशाना बनाकर हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अपने 50 और सैनिकों के शव रूस से मिले हैं, जिसमें 37 जवान अजोवस्टल स्टील प्लांट की सुरक्षा में लगे हुए थे। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अभी यूक्रेनी सैनिकों के घरों पर मिसाइल हमले की योजना बनाई है। और यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार हुआ है। रूस के गोला बारूद के दीपों को तहस नहस कर दिया है। डोनेस्क में रूसी सेना पर आर्टिलरी से हमला हुआ। सेवरोडोनेस्क में मशीन गन से हैवी फायरिंग की गई। रूस जितनी ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उतनी ही ताकत से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को जवाब दे रही है और जंग में रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटे के अंदर रूस के एम्यूनेशन डिपो को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी आर्मी के हमले से रशियन सेना का एम्यूनेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। यहाँ पर भी जेलेंस्की के जवान पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के ठिकानों पर आर्टिलरी से ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूक्रेनी सेना के जवान सेवरोडोनेस्क में गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे हैं। अत्याधुनिक मशीन गन से यूक्रेनी आर्मी के जवान ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। यूक्रेनी सेना की मदद के लिए कादिरोवस्की के जवान भी कॉम्बैट ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रूसी सेना के जवानों को ढूंढ कर उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। रूसी सेना जो यूक्रेन पर तुरंत जीत हासिल करने का सपना देख रही थी, यूक्रेनी आर्मी ने अपने बुलंद हौसले से रूस के सपने को तोड़ दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।